आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। इंदौर की जिला जेल में एक बार फिर कैदियों के बीच विवाद की घटना सामने आई। बता दें, जिला जेल में बंद कैदी किसी बात को लेकर अंदर ही जमकर लड़े, जिसके बाद एक कैदी को गंभीर चोटें आई तो उसे जेल प्रबंधक ने इलाज के लिए इंदौर के MY हॉस्पिटल लेकर पहुंचा। बता दें, जेल के अंदर ड्रग्स माफियाओं के दो गिरोह में आपस में विवाद हो गया और इस विवाद के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के शादाब पर नुकीली वस्तुओं से हमला कर दिया, जिसके बाद शादाब को गंभीर चोटें आ गई। फिलहाल विवाद पुराने कारणों के चलते हुआ। जेल प्रबंधक जेल के अंदर मारपीट करने वाले चार कैदियों की शिकायत संयोगितागंज पुलिस को की है। वहीं संयोगितागंज पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर पूरे मामले की विवेचना शुरू कर दी है। बता दें, इंदौर की जिला जेल में इसके पहले भी इस तरह के विवाद सामने आ चुके हैं। वहीं बताया जा रहा है कि इंदौर की जिला जेल में ड्रग्स माफिया के दो गिरोह बंद हैं और उन्हीं गिरोह में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। उसके बाद जेल में ही मौजूद एक जेल प्रहरी के द्वारा गैंग में जेल के अंदर राजीनामा करवाने के लिए मीटिंग का आयोजन किया गया था। इसी दौरान दोनों गैंग में विवाद हो गया और विवाद के चलते एक गैंग ने दूसरे गैंग से जुड़े शादाब पर नुकीली वस्तुओं से हमला कर उसे घायल कर दिया। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद जेल प्रबंधक ने जेल प्रहरी दीपक तिवारी को सस्पेंड कर दिया। वहीं पूरे मामले की सूचना भी अधिकारियों को दे दी। आने वाले दिनों में आला अधिकारी इंदौर की जिला जेल में पदाधिकारियों पर सख्त कार्यवाही कर सकते हैं। किस तरह की वारदात का आज सर खुलासा किया है? देवास पुलिस करना, आईडी ऊपर करना हो गया। देखिए, बीएनपी थाना पुलिस ने एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। 5 सदस्यीय इस गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। इस गिरोह ने देवास सहित हमारे प्रदेश में और आसपास के प्रदेशों में कई सारी घटनाओं को अंजाम दिया है। ये लोग गैस कटर की मदद से ATM मशीन को काटते हैं और ATM मशीन से कैश लेकर फरार हो जाते थे। इन्होंने कई लूट की डकैती की घटनाएं इन प्रदेशों में की हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रथम दृष्टया उन्होंने लगभग एक दर्जन घटनाएं किया जाना कबूल किया है। हमें उम्मीद है कि इतनी ही और घटनाओं में इनकी संलिप्तता होगी, उसकी हम पड़ताल कर रहे हैं। कहाँ के निवासी ये आरोपी हैं? 5 आरोपी मेवात क्षेत्र हरियाणा के रहने वाले हैं और आसपास के प्रदेशों सहित दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, UP, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इन्होंने घटनाएं करना कबूल किया है। अभी हम इनसे पूछताछ कर रहे हैं कि किस तरह से ये लोग कहां कहां गए हैं और क्या क्या घटनाएं इन्होंने ATM मशीन के साथ किस तरह क्या क्या जब्त हुई है इनके पास? अभी इनके पास से घटना में प्रयुक्त गैस कटर, गैस सिलेंडर, घटना में प्रयुक्त चार पहिया वाहन और इनके अन्य इंस्ट्रूमेंट जिनकी सहायता से ये लोग घटनाओं को अंजाम देते थे, वो सब जब्त हुए हैं। हम इनसे और पूछताछ कहां से गिरफ्तार किए गए की बात सामने आई कि उसकी वजह से घटना टल गई, क्या है सर वो? क्या हमारी रात्रि गश्त प्रभावी थी, उसके कारण ये एक बार जब गश्त की पार्टी निकली तो ये लोग छुप गए थे। 15 मिनट बाद जब दोबारा गश्त की पार्टी ने सायरन बजाया तो ये लोग वहाँ से भाग निकले थे, लेकिन भागने के बाद भी हमारी टीम ने इनको पकड़ने में सफलता हासिल की। सर, कितने टाइम इंटरवल में ये पकड़े गए आरोपी? 48 आवर्स में। सर, एक कार भी मिली है इनके पास? हाँ। किस तरीके? एक ब्रेजा कार जिसका ये उपयोग घटनाओं में जाते वक्त करते थे वो मिली है, हमने उसको भी जब्त किया है। कहाँ से गिरफ्तार हुए सर ये? ये लोग जब भाग रहे थे हाईवे पर तो ग्वालियर थाना के पनिहार थाना क्षेत्र से इनको पकड़ा गया। थैंक यू। देवास से शाकिर शेख की रिपोर्ट। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।